सब्सक्राइब कीजिए हरमन व्लॉग्स को एंड हिट द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका हरमन व्लॉग्स आज का और न्यू फ्रेश व्लॉग लेकर मैं बीजी का घर का बीजी की पते। गाइस आज मेरा 50 आउट ऑफ 50 व्लॉग है, आउट ऑफ 50 डे 50 व्लॉग्स। तो मैंने सोचा आज अपना 50th व्लॉग है तो इसको हम एक पवित्र जगह पे ही एंड करें। तो मैं पहुंच चुका हूं आगरा के श्री गुरुद्वारा गुरु किताल साहिब, ठीक है, ये आगरा में है। और गाइस ये 450 साल से भी ज्यादा पुराना गुरुद्वारा है, तो मैं इसका आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर जाके कितनी फोटोग्राफी अलाउड होती है या नहीं, और इसका इतिहास भी बताऊंगा आपको। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ देखिए गाइस कितनी फ्रेश सरसों लग रही है, ठीक है, सरसों का खेत है। और सामने गाइस मंजी साहब है, गुरुद्वारा मंजी साहब, पीछे दीवान हॉल है, ठीक है, और मेन गुरुद्वारा इधर है। तो मैं आपको सारे जी साहब का भी दर्शन करवाऊंगा, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। गुरुद्वारा साहब ये 450 साल पुराना है और ये बिल्कुल भी गुरुद्वारा साहब वालों ने मॉडिफाई नहीं किया, देखिए वैसा का वैसा ही है बिल्कुल। गाइस ये मेन गुरुद्वारा की बिल्डिंग है और ये गाइस बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं हुई, अंदर से बाहर से थोड़ी सी हुई मॉडिफाई। और इस साइड लंगर हॉल है, ठीक है, इस साइड मैं अभी लंगर करने जाने भी वाला हूँ तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लंगर की पर्ची भी कटा ली, तो अब मैं जाऊंगा लंगर करने। मैं आ चुका हूँ लंगर हॉल में लंगर करने, ठीक है। गुरुद्वारा और नीचे भोरा साहिब है। तो गाइस भोरा साहिब का इतिहास ये है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 9 दिन तक नजर बंद रहे थे इस इमारत में जहाँ खड़े भोरा साहिब में। और गाइस ये 400 साल पुरानी और बिल्कुल भी गाइस चेंज नहीं हुई, ये वो जगह है।
भाई नंदलाल जी दीवान हॉल, ठीक है। और ये सीधा रास्ता जाता है गुरुद्वारा मंजी साहिब। देखिए गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरु कताल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना कोई तू करता करना मैं नागी जागो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर गया तू सच्चा साहिब सिफत सुआले पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गम तुन मोहनिया मन मोहन सुरंग मच प्याले गम तुन रतने उपाए तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गम तुन जोध महाबल सूरा गम तुन हाणी चारे गम तुन खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रख तेरे तारे सी तुन गावन जो तुद पावन रत तेरे भगत रसाले और के ते तुदनो गावन से मैं चित नयावन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी गोसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांती कर कर देसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना जो तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो बादशाह हो शाह पत साहिब नानक रहण का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। और गाइस ये मेरा आज 50th व्लॉग था यार आउट ऑफ 50, तो आगे भी मैं करता रहूँगा डेली व्लॉग, पर अभी तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ चुका है व्लॉगिंग में। और तो अब आगरा सीरीज आएंगी गाइस, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया पूरी 50 days 50 व्लॉग्स की मेरी सीरीज पे, ठीक है। तो उसके लिए लव यू। तो और जिसने भी यार करने दर्शन गुरुद्वारा गुरु कताल साहिब के, तो उनको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को शेयर कर दो वीडियो कि वो भी दर्शन कर पाए गुरुद्वारा गुरु कताल साहिब के। तो मिलता हूँ अनदर नॉट डेली व्लॉग में, मगर व्लॉग में मिलूंगा आगरा सीरीज के साथ ही। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर दो हरमन व्लॉग्स का, हिट द बेल आइकन, उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ व्लॉग में, लव यू गाइस। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.